हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग वीवीए। हाँ पहले जाने कि वीवीए है क्या। देखिए वीवीए होता है डिजिटल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि वीवी6 है, ठीक है, वीवी6 है या वीवी स्टूडियो है, ये चीजें नहीं है। क्योंकि वीवी6 वीवी स्टूडियो के जरिए आप एक नई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, बट वीवी6 एमएस ऑफिस, जी हाँ, एमएस ऑफिस के अंदर नए चीज को डेवलप करता है, नए फीचर्स को डेवलप करता है। तो वीवी सिर्फ एक्सेल में नहीं, ये पूरी की पूरी एमएस ऑफिस में वर्क करता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा एक्सेल वीवी माइक्रो, राइट। हर किसी का अलग अलग होता है, हाँ, तकरीबन 60% तो सब में सेम होता है, बट 40% सब में चेंज होता है। बिकॉज आप वर्ड की बात करें तो वहाँ डॉक्यूमेंट होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, लाइंस होते हैं। आप एक्सेस की बात करें तो वहाँ टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ स्लाइड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक्सेल में रेंज और सेल होते हैं, शीट्स होते हैं। इसलिए 40% चेंज हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती है। तो वीवीए प्रोग्रामिंग, अगर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, तो हम फैक्ट्री से क्या क्या बनाएंगे। सबसे पहले आता है माइक्रोस। अब माइक्रोस से कंफ्यूज होते हैं। अब कुछ लोगों का क्या मानना होता है, कुछ लोग मानते हैं कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, दैट इज अ माइक्रो, और जो कोडिंग करते हैं वो वीवी होता है। तो पहले चीज को क्लियर कर लें, जो हम रिकॉर्ड करते हैं और जो हम कोड करते हैं, दोनों माइक्रो ही होते हैं, और दोनों में वीवीए लैंग्वेज ही यूज होता है। जब किसी सेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने माइक्रो 1 को लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और मान लीजिए कि मैंने H1 पे जाके और नेम लिख दिया, तो H1 पे जाके नेम लिखने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को रिकॉर्डिंग माइक्रो ने वीवीए कोड में कन्वर्ट करके एक माइक्रो बना दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा। और जब मैं इसको एडिट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज यूज है, दैट इज द वीवीए प्रोग्रामिंग। समझ गए। तो आप खुद यस से वीवीए बनाए या रिकॉर्ड करें, बोथ आर द सेम। खुद से माइक्रोज बनाए या करें, माइक्रोज का मतलब हुआ कि जो आपका एक ऑटो पायलट की तरह कर लीजिए, जो ट्रिगर होने के बाद दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपके स्टेप को पूरा करता है, ठीक है। ठीक है तो माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो आपके बिहाफ पे खुद बखुद वीवीए प्रोग्रामिंग बना देता है, कर देता है, माइक्रोस बना देता है, तो क्या फायदा सीखने का। राइट क्या जब राइट डेफिनेटली ऑब्वियस क्वेश्चन रिकॉर्डिंग माइक्रो जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, जैसे कि रिपीटेशंस। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे पूरे कॉलर में नेम 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 लिखना है, चाहे और कुछ लिखना है, ऐसे रिपीटेशन नहीं होती है। लेकिन वीवी में लूप डाल के करते हैं, कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है, कंडीशन चेक नहीं करता है। तो उसके बाद डायनेमिक, मान लीजिए कि H1 पे हमने कोड किया, तो एवरी टाइम जब माइक्रो रन होगा तो H1 पे ही लिखेगा। कल के डेट में मुझे K1 की रिक्वायरमेंट हुई तो नहीं हो पाएगा, फिर तो दूसरा माइक्रो रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा, अच्छा ठीक है। सो ठीक है यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए मैंने बताया कि डायनेमिक नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते, कंडीशन लगा सकते, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस सब के बगैर फिर कोई मतलब नहीं रह जाता रिकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन आता तो फीचर दिया क्यों है। देखिए इसके लिए हम लोग लर्निंग पर्पस, लर्निंग के समय हम लोग इसको एज ए डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल का कोड भूल गए हो, क्या होता है, तो आप रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं कोड क्या हो सकता है, फिल्टर का कोड क्या है, रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं फिल्टर का कोड क्या हो सकता है। तो डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिटेल्स में मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग माइक्रो और कोडिंग की माइक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन फिलहाल ठीक है समझ जाइए कि वीवीए एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम माइक्रोज बनाते हैं, और रिकॉर्डिंग माइक्रो भी वीवीए लैंग्वेज को यूज करके ही माइक्रो बनाते हैं। तो मेरे द्वारा ये बनाए गए माइक्रो और रिकॉर्ड करके बनाए गए माइक्रो दोनों सेम है, बोथ आर द सेम, ओके। तो माइक्रोज करता है क्या है, माइक्रोज का काम है ऑटोमेशन करना। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं ना, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो जरूरत क्या है, क्या सर हमें माइक्रो की जरूरत क्यों पड़ जाती है, क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता।
जैसे कि एक मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा दिख रहा है आपको, अभी तो अभी कल क्लास लिया था उसी का है, मैं इसको मैं ठीक है। थोड़ा सा। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, राइट? अब मुझे इस राइट, डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ओके। तो अगर मैं मैनुअल करता हूँ, तो ये 12 महीने का डेटा है, मैनुअल करता हूँ तो कैसे करना पड़ेगा? पहले नेम वाले कॉलम को कॉपी करके जाना होगा शीट में, फिर पेस्ट करना होगा, ठीक है? फिर मंथ वाले को कॉपी करना होगा, फिर जाना होगा, फिर पूरे एरिया को सेलेक्ट करके फिर पेस्ट करना होगा, फिर हमें डेटा को उठाना होगा, कॉपी करना होगा, फिर जाके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। और इसी प्रोसीजर को हम 12 बार रिपीट करेंगे नीचे 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 नीचे। अब 12 बार, चलिए इसको करने में आपको 10-12 मिनट का लगेगा टाइम, लेकिन अगर ये 200-300 हुआ तो मंथ की जगह पे डेट हुआ या प्रोडक्ट हुआ या डिपार्टमेंट हुआ या सिटी हुआ, टाइम लग जाएगा ना सर। हमको राइट। जरूरत है क्योंकि हमें पिवट टेबल वगैरह बनाना है, तो हमें डेटा इसी तरह का चाहिए ना। तो हमने एक माइक्रो बनाया और उस माइक्रो पे गए और उस माइक्रो को जस्ट रन कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में इसने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। इसके लिए हमने क्या यूज किया, तो हमने इसके लिए एक प्रोग्रामिंग यूज की जो दिख रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग आपने इससे पहले भी इंटरनेट वगैरह से कॉपी पेस्ट करके कुछ भी थोड़ी बहुत चेंज करके बनाया हो, राइट? लेकिन कंसेप्ट को जानना जरूरी है कि भाई सीड्स क्यों हमने यहाँ पे लिखा, हमने सेल्स क्यों लिखा, और यहाँ पे रेंज क्यों लिखा हमने, ठीक है? यहाँ हम सिलेक्ट ही क्यों लिखे, ये क्या है इसका मतलब, एक सलाब ऑफसेट वगैरह का मतलब क्या है, ये कब कब यूज करेंगे, ये पूरा किसी चीज को जानना जरूरी होता है। जैसे आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही ले लीजिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हो, पहले वर्ड मीनिंग जानते हैं कि किस किस वर्ड शब्द का क्या मीनिंग है। हम पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, हम वर्ड को मिला के सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम ग्रामर इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑफ इसी तरह कोर्स। से वीवीए लैंग्वेज होता है कि वहां पे हम भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो माइक्रोस का काम होता है ऑटोमेशन करने के। अब बात करते हैं फंक्शन, दूसरा जो बनाते हैं वीबीएस से बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन इट मीन जैसे वी लुकअप, एच लुकअप जैसे आप करते हैं ना, दैट इज द फंक्शन। अब इस तरह के अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले, पहले तो इसको मैं जाने ही नहीं, और आप कहते हैं कि फॉर्मूला जान लीजिए, उसके नया फॉर्मूला लीजिए। क्या होता है कि आपके पास जो फॉर्मूला पहले से होता है वो फॉर्मूले आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। मान लीजिए अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं ना, तो वी हाँ लुकअप पे कई प्रॉब्लम है। जैसे पहले पहले हाँ ये लेफ्ट टू राइट ही चलता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को उठाता है, रिपीटेड राइट वैल्यू में पहले की वैल्यू को उठाएगा, एक ही सीट पे वर्क करता है क्या? अब राइट आपको हुआ कि आपके पास डेटाबेस 15-20 डेटाबेसेस है, आप चाहते हैं किसी वैल्यू को 15-20 में सर्च करें, जहां उसको मिले देन उसको ले आके लुकअप करें। अब ऐसी फॉर्मूला है नहीं, आपको जरूरत है, बड़े बराबर यूज होता है, तो आप क्या करेंगे, वीवी लैंग्वेज को यूज करके अपने लिए एक नया फॉर्मूला तैयार क्रिएट करें कर लेंगे। अपने हिसाब से, ठीक है? और करके भी होता है क्या, जैसे कि नेस्टेड इफ वगैरह लगा के बड़े बड़े फॉर्मूले हम बना देते हैं। चलो हम तो एक्सेल जानते हैं, हमने बना लिया, लेकिन हो सकता है कि आपके मैनेजर या हो सकता है कि आपके जो ए हैं जूनियर्स हैं, उनको एक्सेल की नॉलेज उतनी अच्छी है नहीं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उन लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे, समझे? राइट। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक सारे सॉल्यूशन वी में लिख देंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला बना देंगे जो सिर्फ वो लगाएंगे। तीसरा जो हम यूज करते हैं वो होता है यूजर फॉर्म। तो हम वीवीए के थ्रू माइक्रोस फंक्शन एंड यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यूजर फॉर्म क्या होता है, पॉपअप। अब जैसे मान लीजिए कि आप पिवट टेबल है ना वाला सर, तो पिवट टेबल में आप जाएंगे तो दो पार्ट है, पिवट टेबल रेंज, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल एक्सटर्नल डेटा सोर्स तीसरा भी है, और पिवट टेबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है,
ये जो पॉपअप आया क्यों आया? अगर मान लीजिए पॉपअप नहीं होता, जैसे तीन ऑप्शन था, ऐसे पांच सात ऑप्शन हो जाता कि पिवट टेबल विद न्यू वर्कशीट, पिवट टेबल विद एग्जिस्टिंग वर्कशीट, पिवट टेबल एक्सटर्नल पिवट टेबल विद न्यू वर्कशीट, क्या कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं राइट यहाँ पे? क्या पॉपअप दे दिया, आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, उस हिसाब से वर्क करेगा। सेम उसी तरह जब आप फॉर्मेट सेल करते हैं, जिन्हें फॉर्मेट सेल किया, तो फॉर्मेट सेल पे आप देखते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कई सारे टैब है, हर टैब में अपना अपना अलग अलग चीजें हैं। क्या सर, राइट एक प्लेटफॉर्म पे हमें सब कुछ मिल गया, जहां पे हम सेलेक्ट कीजिए, जैसे ओके करते हैं वो चेक करें कहाँ कहाँ क्या क्या सिलेक्ट है, उस हिसाब से वो चीजें इंप्लीमेंट कर देगा। तो यूजर फॉर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वीवी एक फैक्ट्री है जिसके तीन प्रोडक्ट, मैक्रोस, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म, और हमारी प्रोग्रामिंग इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड रहेगी। अब बात आते हैं कि वीवी इस्तेमाल हम कब करेंगे, वेन। देखिए वीवी के इस्तेमाल दो केसेस में होता है, रिपीटेड जॉब या लेंथी जॉब। रिपीटेड जॉब या लेंथी जॉब, लेंथी जॉब, ओके। अब रिपीटेड जॉब की बात पहले करते हैं। जैसे आपके पास एक रिपोर्ट है, एक काम है जो हर दिन आप करते हो, तो उस रिपोर्ट में आप वीवी प्रोग्रामिंग लगा के आप 70%, 80%, 90% या 100% आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, राइट? क्यों किया? क्योंकि तो आपको डेली करना पड़ता है उसको। अब जैसे कि आपने ही देखा कि अभी जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम किया, अब मान लीजिए मुझे वो काम एक दिन के लिए आ रहा था, तो मैं एक आधा घंटा लगा कर देता, वीवी बनाने की क्या जरूरत है उसको, क्या? राइट क्योंकि तो क्या होता है कि ऐसे नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग लिख दिया, क्या सर? राइट ऐसे तो हम गर्लफ्रेंड को लेटर भी नहीं लिख पाते हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए, सोचना चाहिए, शायरी वायरी से याद करना पड़ता है, तो प्रोग्रामिंग है सर। तो इसी भी प्रोग्रामिंग के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, एल्गोरिथम बनाना पड़ता है, फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फिर टेस्टिंग करना पड़ता है, अगर गलती आई तो फिर उसको रिकोर्स, री टेस्ट, जब तक सही नहीं चलता है तब तक उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्या? राइट। क्योंकि मान लीजिए अभी हमने मेरे पूरा, को एक चीज बताइए। सपोज जैसे हम लोग अकाउंटिंग में कुछ जर्नल है, राइट? जैसे मैं 2-3 दिन पहले जो मैं सोच रहा था, जैसे एक जर्नल है वो हम लोग पोस्ट करते हैं। आप कौन से आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स? तो फिर मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन दोनों करूंगा है मेरे आपको। पास, मैं साइंस अच्छा नहीं है, अच्छा कॉमर्स है और आईटी है, मैं बीसीए और बीकॉम दोनों किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ आपने। तो बेसिकली सपोज एक हम लोग एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं, राइट? तो हम लोग सपोज एक एक जर्नल बनाते हैं, फिर उसी में से कुछ एंटिटीज को फिल्टर करते हैं, उसको एक दूसरे पैरामीटर के साथ पोस्ट करते हैं, माने उसी के नीचे पेस्ट करते हैं। और फिर लेकिन हाँ, रिवर्स साइनेज में करते हैं। मतलब हम लोगों ने सपोज 10 लाइन पोस्ट करी है एक ग्रुप के अकाउंट नोट पे, फिर उसमें से 5 लाइन निकाल के हम लोगों ने ऑपोजिट साइनेज के साथ पोस्ट किया है, और फिर वही को उसी जो 5 लाइन है उसी को फिर हम लोगों ने एक फील्ड चेंज करके फिर पोस्ट किया है। तो ये मेरे को लगता है कि रिपीटेटिव काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो हर मंथ करते हैं। बहुत ज्यादा हालांकि टाइम नहीं लगता, 1.5 घंटा करीब लगता है इसके कैलकुलेशन और बनाने में, बट आई थिंक हाँ, ये सब चीज ऑटोमेट हो सकती है ना वीबीए हो वगैरह सकता में है। देखिए इजिली। देखिए, जिस चीज में कंडीशंस है वो सब ऑटोमेट हो सकती है, कंडीशन हाँ समझते हैं ना, कोई सिस्टम हाँ हाँ कंडीशन। और जैसे मान लीजिए कि मैंने नाम लिखा सुजीत कुमार, लिखा ना सर, तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना है तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेपरेटर क्या है, हम कंडीशन देंगे कि भाई इसके, ये आप करो कि स्पेस से बिफोर उठा लो और स्पेस के बाद उठा लो, राइट? दे सकते हैं राइट और वर्क राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सुजीत कुमार, अब यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है कि भाई फर्स्ट नेम कितना, कब, कहाँ से फर्स्ट नेम है, कहाँ से सेकंड नेम है, पता चल रहा है सर? नहीं, अब डेफिनेटली सुजीत आप जानते हैं इसलिए पढ़ पा रहे हैं, राइट अगर राइट नाम नहीं जानते तो आपको पता नहीं चलता है क्या क्या लिखा हुआ। राइट और बड़ा बड़ा जो नेम है होते हैं वो भी आप देख नहीं सकता है कि लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ क्या, समझ रहे हैं सर? राइट तो अब वीवीए इस पे वर्क नहीं करेगा ना सर, क्योंकि वीवीए कहेगा भाई कहां से उठाऊं बताओ, कंडीशन दो, तो कंडीशन नहीं है। तो जहां पे लॉजिक है कि हाँ इस यहाँ पे अगर ऐसा हो तो ऐसा कर ले, अगर
अगर ए सिस्टम अगर है तो कोडिंग वर्क करेगा, अगर ए सिस्टम नहीं है तो वो समझ के उठाना है, दिमाग लगाना है उसमें, तो वीवी वहां पर चौथा लग जाए। और ऑटोमेशन की बात रही तो अब जरूरी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट 100% ऑटोमेट हो जाए, कि आपके पास 100% कंडीशन है तो 100% ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन 100% कंडीशन नहीं है तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक, मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट आया हो और उसको आपको डेटा फॉर्म में लाना, जैसे कि कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे डेट डाल दिया, राइट, डेट के नीचे लिख दिया सुजीत, नाम लिख दिया सुजीत कुमार, या चेक नंबर, माफ कीजिएगा चेक नंबर, ठीक है, डेट के जस्ट सामने है कि भाई डेबिट हुआ और कि क्या 500 हो गए, राइट, और इसी तरह का नीचे आपका डेटा आया हुआ। अब इसके बीच में कितना गैप है पता नहीं, कितना भी गैप हो सकता है, लेकिन इतना हमने फिक्स किया हुआ है कि भाई यहाँ पे डेट होगा, डेट के ही दो कॉलम बाद डीआर होगा और डीआर के अगले जस्ट कॉलम में आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, और डेट के नीचे वाले के अगले कॉलम में चेक नंबर नीचे लगा हुआ है। तो अब क्या है कि आप हमें इसको अपने हिसाब से देखिए, डेट चेक नंबर का जो डेटाबेस का टाइप होता है यहाँ पे DRCR इस तरह का हम उठा सकते हैं, इसके लिए वीवी लिख सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, और हम लिखा सकते हैं, पैसा भी निकाल सकते हैं, कितना आया कितना गया, DR है तो सम हो जाएगा, CR है तो माइनस हो जाएगा, समझ गया ना, सब कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इसका पैटर्न ही ना हो, कोई यहाँ पे आ गया, किसी में आपका जो है यहाँ चला गया है, किसी का आपका यहाँ चला गया, तो ये तो मैनुअली करना पड़ जाएगा ना सर, राइट राइट, हाँ मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा बेसिकली, नहीं बैठेगा, तो यही सेम चीज होती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऑटोमेशन नहीं नहीं हो सकता, राइट, हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि जितने भी डेट्स है वो डेट उठा कर रख देगा, क्योंकि डेट एक ही कॉलम में है, कंडीशन लग गया कि हाँ डेट एक ही कॉलम में, उठा कर ला सकता है, तो कुछ हद तक ऑटोमेट हो जाएगा जिससे आपकी काम कम हो जाएगा, समझ गए, तो ये चीजें जो हमने बताया आपको, ये चीजें कर सकते हैं वीवी प्रोग्रामिंग से। लेकिन जब आपका काम ऑटोमेट कब करेंगे, जब रिपीटेशन हो, मतलब आपको हर दिन या हर हफ्ते करना पड़ रहा है, आपको दो डेढ़ दो घंटा का टाइम लग रहा है, तो आप एक दो दिन का टाइम लगा के प्रोग्रामिंग करके डेढ़ दो घंटा को बचा लेंगे, समझ गए, राइट। लेकिन अगर बात होती है कि नहीं नहीं एक ही दिन के लिए आया है, अगर मैं मैनुअल करूंगा तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, तब वीवी को इस्तेमाल करेंगे हम, राइट, हाँ, लेकिन 10-15 मिनट डेली लग रहा है तो हम वीवी इस्तेमाल करेंगे, समझे, राइट। तो रिपीटेड जॉब, दूसरा आता है लेंथी जॉब, कि काम आपको एक ही बार मिला है, जैसे आपको एक ही बार मिल गया 200 फाइल, 200 फाइल का डेटा एक ही सीट में, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्लेट करनी है आपको, 1500 मेल करनी है, एक ही बार मेल करनी है, लेकिन 1500 मेल कंपोज करके भेजना है इंडिविजुअल, अलग अलग फाइल उसमें अटैच करनी है, ये सब काम तो लेंदी हो गया ना, कई दिन लग सकते हैं इसमें क्या, राइट राइट राइट। तो उस केस में तो रिपीटेड में और लेंदी में हम वीवीए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आता है फोर, किसके लिए वीवी इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, देखिए हम हर किसी को बोलते हैं कि ऐसे फाइल जो पब्लिकली ट्रेवल होगी, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा बनाया जिसको 200 लोगों को आपने मेल किया, ऐसे चीजों पे आप वीवी प्रोग्रामिंग लगाना अवॉइड कर, क्यों, क्योंकि आपके एक्सेल का सिक्योरिटी जो होता है माइक्रो का डिफॉल्ट डिसेबल होता है, ये डिसेबल होता है, मतलब जैसे आपका फाइल ओपन करेगा एक सिक्योरिटी वार्निंग का एक पॉपअप आएगा जिसमें वो अनेबल माइक्रो करने का कहेगा, और एक चीज बताइए, जब हम लोग वीबीए कोडिंग या मैक्रो वगैरह करते हैं तो ये इनेबल रहना चाहिए ना ऑलवेज, हाँ नहीं डिसेबल कर देंगे तो आपको बार बार अनेबल करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, अनेबल करेगा तो ऑप्शन देगा लेकिन बार बार अनेबल करना, बट सपोज आपने कोड लिखा और आपने कोड को एग्जीक्यूट किया
तो उस टाइम अगर आपका एक्सेल डिसेबल है तो वो वर्क करेगा? नहीं, जब तक फाइल सेव है, आपने जैसे आपने डिसेबल है आपका, राइट, आपका हाँ मान लो हाँ डिसेबल है, आपने कोडिंग किया, रन करे, परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसे सेव करके रीओपन करेंगे, जब तक अनेबल ना करेगा तो परफॉर्म नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम अच्छा. करेगा, सेकंड टाइम से नहीं होगा, समझ गए? तो आप लोगों को समझाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये माइक्रो वगैरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको अनेबल करेंगे, कुछ लोग कन्वेंस हो जाएंगे, कुछ लोग कन्वेंस नहीं होंगे, तो सरदर्दी हो गई सर, सबको समझाना, कन्वेंस करना, क्या तो अवॉइड कीजिए, जब तक बेहद जरूरी ना हो कि हाँ बगैर ये सब हो ही नहीं सकता, तब तक तो उसमें बीवी यूज ना करें। आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो जो धर ले जो मर्जी करना है यूज कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे आपके स्टाफ हैं जो कि आपके रिपोर्ट्स को, आपके फाइल को क्या करता है, नेट पे, इंटरनेट पे देख लेता है, सॉरी वेब ब्राउजर पर देख लेता है, मोबाइल वगैरह पे, टैब वगैरह, तो उसमें वेब वर्जन पे आपका वीवीए प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता है, तो अगर आपने वीवी वाला फाइल भेजा है तो उनको कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए आप ऐसे केसेस में वीवीए अवॉइड करें, वीवीए हमारा लास्ट चांस होना चाहिए ना कि फर्स्ट, ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी सपोज एक एक एग्जांपल मेरे को बताइए, जैसे कितना फास्ट और कितना एफिशिएंट वे है वीबीए. सपोज एक नंबर 1 to 10 है, राइट? अब उसमें से मेरे को 4 नंबर फिल्टर करके एक पर्टिकुलर सेल में डालना है, ठीक है? मतलब ये जस्ट हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है. तो वो मतलब हो सकता है कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, राइट, जिसको अगर मैन्युअली करने जाएं तो हो सकता है कि उसमें देखिए आराम से 2 घंटा लगे. मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक बताता हूँ, मैंने परसों फ्राइडे को ही हमने एक फ्राइडे को ही मैंने बताया हुआ है, देखिए ये फ्राइडे को मैंने बढ़ाया, मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ हर फ्राइडे, फाइल डिलीट कर देता हूँ सारा, तो क्योंकि इसमें फाइल जाम हो जाती है। अब इसे यहाँ देखिए, हमारा प्रोजेक्ट 1, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया है, इसको पहले बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए कि मेरे पास कई सारे फाइल्स हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट नहीं, लेकिन मेरे फोल्डर, कई सारे फाइल डेटा में आप देख रहे हैं कि पैटर्न बिल्कुल सेम है बट अलग अलग है, और कई मुझे सारा टैब है बेसिकली एक्सेल में. टाइप है, और सबका डेटा जो है मुझे डेटा शीट में हाँ, डालना, एक के नीचे एक एक, साथ कॉपी करना. अच्छा, एक के नीचे. हाँ एक के नीचे होगा ना सर, कुलेट करना है ना, हाँ राइट, कोलेक्ट करना. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगर मैनुअल करेंगे तो अगर मान लीजिए कि 50 सीट हुआ तो एक को करने में 30-40 सेकंड लगाएंगे, फिर भी आपको 1 घंटे के आसपास लग जाएगा ना, अगर 500 सीट हुआ या 500 फाइल हो गई ना, मान लीजिए ना 500 फाइल हो गई, तो इसका दूसरा पार्ट फाइल का है जो कि इसमें नहीं है, 1 डे में दोबारा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी डी, मैं इसकी कोड को दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए है ना कॉपी डी, अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कुछ सेकंड लगे, आई थिंक 2 या 3 सेकंड लगा होगा, हो गया। अब देखिए बढ़ता कैसे है, अभी 2 या 3 सेकंड में हो गया ना आपका काम, अब इसी में आकर देखेंगे दूसरा माइक्रो है इसी के अंदर, कॉपी के। अब कॉपी के क्या है, इसमें कंडीशन चेंज हुआ, इसमें ऊपर वाले ने क्या था कि आपका हेडिंग बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, सीट 1, हर सीट का हेडिंग सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन अब यहीं पे सोचना होता है कि हम हर भी एंगल से पढ़ाते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी में कोई सिटी, कोई कोई फील्ड ना हो, या सीक्वेंस अलग हो, मान लीजिए 500 लोगों ने आपको भेजा है तो जरूरी थोड़ी है कि 500 लोगों ने सेम सीक्वेंस को फॉलो किया होगा, किसी ने सीक्वेंस को हेरफेर कर दिया होगा तो डेटा गलत कॉपी हो जाएगी ना, जब कॉपी हो रहा था क्या पता कैसे पता चला कौन जनवरी का आया कौन फरवरी का, फिर आपको रीचेक करना पड़ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा माइक्रो जो बना वो किसका बना, कि हर एक सीट का, जितना भी सीट्स है, हर एक सीट का हेडिंग के हिसाब से कॉपी पेस्ट करेगा, ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, दिख रहा है, क्योंकि तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, वो किससे पहले क्या था, सीट बाय सीट था, ये क्या हो गया लाइन बाय लाइन,
मतलब हेडिंग देख के पेस्टिंग हो रहा है, हेडिंग देख के पेस्ट किया इसने। ओके ओके, तो ये सीट है इसने। मैं दूसरा मैक्रो, पहला मैक्रो जो रन किया था मैंने जिसमें सीट नेम भी लिखा था, उसने क्या किया था, उसने पूरी सीट का डेटा उठा के पेस्ट करता चला गया, उसमें हेडिंग से मतलब नहीं था। वो जाता था सीट पे, कंट्रोल ए करता था, कॉपी करता था और यहाँ तक आता था, नीचे पेस्ट कर देता, इससे मतलब नहीं कि हेडिंग क्या है। दूसरा मैक्रो जो रन किया वो क्या, उसने क्या किया कि आप देखे होंगे कि एक एक कॉलम करके कर रहा था, कॉलम करके आया, राइट, ये ध्यान रखे, ठीक है ना, एक एक कॉलम करके जा रहा है, तो एक एक कॉलम को पहले वो मैच कर रहा है, देन पेस्ट कर रहा है। इसने क्या किया, इसने दो चार सेकंड ज्यादा टाइम दिया। अब सपोज मेरा जैसे क्वेश्चन है, ये सब चीजें भी मतलब मैक्रो कर सकता है, राइट, जैसे आपने जो अभी रन किया था, राइट, उसमें उसमें सपोज पहली तीन या बीच की कोई भी तीन रो उठा के उसको मैं बोलूं कि उसको एकदम लास्ट रो में जहां पे जहां तक डेटा पेस्ट हो उसके बाद उसको वहां पे पेस्ट करना, बट ऑपोजिट साइनेज में। साकेत जी मैंने क्या बताया कि वीवीए हर वो काम कर सकता है जिसमें कंडीशन लगा, कंडीशन हो, ओके, तो इसमें वही कंडीशन है तो राइट, ये वर्क करना चाहिए फिर। जैसे कि यहाँ पे अगर एक और माइक्रो, एक और एग्जाम्पल बताते हैं, अलग तरीके का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे हमारे किसी ने पूछा था, किसी ने बोला था कि सर मुझे क्या होता है कि सबकी अटेंडेंस लेनी होती है, तो हमने क्या किया है कि काउंटर पे एक सीट रखा हुआ है, हर कोई आता था अपना एम्प्लॉई को डालता है, ठीक है। हम ऐसा चाहिए कि जब कोई एम्प्लॉई को डाले तो डालते हैं उसका नाम, और एम्प्लॉई को डाले तो बाकी डिटेल्स अपने आप आ जाए, साथ में डेट और टाइम खुद ब खुद आ जाए, किस समय और किस दिन डालना, ठीक है। तो इसमें हमने बोला यहाँ पे हमने क्या किया, इवेंट मैक्रो लगा दिया। मैं यहाँ पे इंदर लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा ना, आ गया सर। इसमें ऐसा भी है, अभी इसमें सेकेंड पार्ट नहीं हुआ, सेकेंड पार्ट इसमें होगा कि हम इसमें एक बार जब एंट्री कर देंगे तो हम चेंज भी नहीं कर पाए, अभी चेंज हो रहा है पर सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे इसका चेंज भी नहीं हो पाए, ठीक है। तो आपने एक बार एंट्री कर दिया तो कर दिया, पत्थर की लकीर होगी वो चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं सीट टू पे जाना है तो मैं पासपोर्ट चाहिए, बिना पासपोर्ट सीट टू में एंट्री नहीं कर सकते, पासपोर्ट सही होगा तो एंट्री करने देगा वरना एंट्री नहीं करने देगा। अब देखिए पासपोर्ट सही डाला तो अब एंट्री करने दे रहा है मुझे। मैंने ब्लॉक अपने कोडिंग वगैरह को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा। That call event micro. Micro का ही पार्ट है, इसको हम event micro programming करते हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह मैंने आपको भेज ही दिया है, आपने देखा ही होगा। राइट राइट, आपने व्हाट्सएप किया। मेरे को एक चीज बताइए, तो आप जो ये सिलेबस में बेसिकली जो कवर करते हैं वो पूरा मैक्रो करते हैं, मैक्रो एंड वीबीए कोडिंग, राइट? जी 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 हाँ, ओके। और मेरा क्या रहेगा, लैंग्वेज होता है ना, ऐसे पूरी लैंग्वेज आपको सिखाता हूं, जब लैंग्वेज को जान जाएंगे तो आप हर तरह के मैक्रो को लिख सकते हैं। ओके ओके, और ये सब भाषा है। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया कि एक डेफिनेटली एक भाषा है, और आपने वो भी बताया कि रिकॉर्डिंग मैक्रोज में कुछ लिमिटेशंस होती हैं डेफिनेटली, जो वीबीए उसको और रिफाइंड और फिल्टर वे में कर सकता है, राइट, कोडिंग। मेरा ये है कि ये आपके कोर्स में ये कवर होता है, डेटाबेस एमएस एक्सेस? नहीं, एमएस एक्सेस का इधर कवर नहीं होता, एमएस एक्सेस की वीडीएम आपको कवर करा देंगे, एमएस एक्सेस की कनेक्टिविटी कि आप एक्सेल का डेटा एक्सेस में, एक्सेल का डेटा एक्सेल में कैसे ला सकते। हाँ हाँ, एसक्यूएल कनेक्टिविटी, ओरेकल कनेक्टिविटी सब के बारे में क्लास है, बट एक्सेस तो आप बेसिकली एक्सेस के लिए बताइए फिर। अलग कोर्स है उसका, अलग कोर्स है जो लेना पड़े, अलग कोर्स है, वो भी आप कराते हैं? हाँ कराते। अच्छा, तो आप लोग बेसिकली क्या-क्या कवर करते हैं?